मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ से तकरीबन आधा घंटे से, और ये जो मेरे पीछे गेट है बार बार बजे जा रहा है, पता नहीं क्यों। हे एवरीवन, दिस इज योर बॉय दी सिद्दीकी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइड टुडे वीडियो इज ऑल अबाउट ईदी, एज यू ऑलरेडी सीन इन द टाइटल। सो बगैर टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। हाँ तो गाइस, अभी बजे हैं सुबह के 12 और आज मैं करने वाला हूँ अपनी ईदी रिवील। तो सीन ये है कि आज ये घर में दावत, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी किसी भी वक्त वीडियो में आ जाए, और मैं वैसे ही बहुत लेजी हूँ क्योंकि मैं बार बार नहीं चाहता कि मैं एक शॉट को बार बार लूँ। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं छत पे, बाकी की वीडियो बनेगी वहाँ। यार अभी दो मसले एक साथ खड़े हो गए। नीचे आए हुए हैं मेहमान क्योंकि घर पे दावत है, और छत पे चल रही है बहुत तेज हवा, तो भाई नॉइस की वजह से थोड़ी सी मसला होगा, तो बर्दाश्त कर लेना जैसे तरह मैं कर रहा हूँ। तो भाई इस वक्त बजे हैं दोपहर के 2 बजे और मैं करने वाला हूँ अपनी ईदी रिवील। तो भाई सीन ये है कि ईद के पहले दिन हम सबसे पहले जाते हैं नमाज़ पढ़ने, जो कि सब जाते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम जाते हैं अपने छोटे मामू के घर, फिर जाते हैं अपनी खाला के घर, और फिर जाते हैं अपने बड़े मामू के घर, और उसके बाद मैं सिर्फ घर पर आके तीनों दिन सोता हूँ। तो जो भी मेहमान मेरे घर पर आते हैं मैं तो सो रहा होता हूँ, मम्मी उठाने की कोशिश करती रहती है लेकिन नींद नहीं आती है कि मम्मी मजबूर हो जाती ना उठाने के चक्कर में। और उसके बाद जो भी मेहमान आते हैं वो मेरी ईदी मेरी अम्मी को दे देते हैं। तो आज ईद का 3रा दिन है और मैंने अपनी अम्मी से सारी ईदी कलेक्ट कर ली है, और अब मैं काउंट करने वाला हूँ अपनी ईदी। सो लेट्स स्टार्ट द ईदी काउंटिंग सेशन। हाँ तो भाई पहले एनवेलप में मेरे निकले हैं 50 रुपये, जो कि शायद ईद मुबारक के साथ साथ किसी ने वाकई मेरे साथ प्रैंक कर दिया है। कैमरा कहाँ लगा हुआ है, हाथ कहीं लाना है पता नहीं है। खैर खोलते हैं दूसरा एनवेलप। हाँ तो दूसरा एनवेलप आया है मेरे बड़े मामू की तरफ से, और इसमें निकले हैं 500 रुपये। अमेजिंग, ये हुई ना बात भाई। हाँ तो भाई अब मेरे पास है तकरीबन 12 से 13 एनवेलप, अब जो कि मैं एक एक करके तो खोल नहीं सकता। मैं खोल रहा हूँ सारे से एक साथ ताकि आपको इन दी एंड काउंट करवा सकूँ कि मेरे पास कितनी ईदी जमा हुई है। हाँ तो गाइस मैंने ईदी कर ली है काउंट, और इस साल मेरी ईदी हुई है 4K, जिसमें से अभी मेरी फैमिली रहती है जिसमें मेरे 2 बड़े भाई और 2 सिस्टर रहती हैं कि जो मुझे ईदी देंगी, और अम्मी, अम्मी से लेने के यार, अम्मी से तो हमेशा लेते रहते हैं। अम्मी तो हर दिन हर साल में हर दिन हर वक्त ईदी देती रहती हैं। तो भाई इन दी एंड ऑफ द डे मेरे पास हो जाएंगे तकरीबन 7K या 8K। तो अब आपको बताना है कि मेरे इनबॉक्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम जो यहाँ पर शो हो रहा होगा, आपको बताना है कि मैं इन 7 या 8K का क्या करूं, क्या अपना थोड़ा सा अपग्रेड करूं सेटअप को, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ आईफोन एक्स है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है रिकॉर्ड करने में, जैसे विंड ब्लोइंग जो होती है ये भी आएगी। तो आपको बताना है क्या मैं अपग्रेड करूं या फिर मैं ये शॉपिंग करूं इस पैसों से। तो गाइस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।